नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। लोकार्पण कार्यक्रम में मंच से भड़के कांग्रेस विधायक। अनूपपुर जिले के नगर पालिका कोतमा में 14 करोड़ के सड़क और तालाब कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच में एक साथ दिखे भाजपा के कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह और कांग्रेस विधायक सुनील सराफ। मंच पर भाषण करने का मौका न देने पर नाराज हुए कांग्रेसी विधायक सुनील सराफ। मंत्री द्वारा नगर पालिका के लोकार्पण के कार्य को कांग्रेसी विधायक ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित होना बताया। नाराज विधायक ने कहा कि भाजपा ने किया जनता का अपमान। नाराज विधायक ने बीच कार्यक्रम में मंच से किया विरोध और किया मंच का त्याग। वही मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस के कोटमा विधायक सुनील सराफ पर हुए हमले में तंज कसते हुए कहा कि रात्रि के लगभग 2 बजे बिना सुरक्षा गार्ड के ऐसा कौन सा काम करने गए थे कि उन पर हमला हो गया। जनप्रतिनिधियों को ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि आधी रात को मार खानी पड़े। अनूपपुर से भूपेंद्र पटेल की रिपोर्ट। ये मेरा अपमान नहीं है, कुतमा क्षेत्र के 1.5 लाख जनता का अपमान है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जिस सड़क का ये ठीका बांध रहे हैं, आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष क्या तरीका है, आदरणीय ब्रजेश गौतम जी और कलेक्टर साहब, आप तो कलेक्टर करिए, नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय मोहनी वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित, आदरणीय नरेंद्र मरावी जी आप बैठो ना बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय अनिल गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय आधाराम बैस जी, सम्माननीय हमारे सभी, जो सड़क को मैंने स्वीकृत कराया था उस बैठक में माननीय बिसाहूलाल जी भी थे और कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने उसको किया था, प्रभारी मंत्री थे प्रदीप जायसवाल जी, आज उसे अपने नाम से जोड़ रहे, विधायक को बुला के विधायक को बोलने का मौका नहीं दे रहे। आप अपनी बात कह रहे हैं, कह दो, आप पूरा नगर आपने बसाया है, आप अपने मुँह से कुछ भी कह दो, कोई तरीका होता है? भाइयों बहनों, ये मेरा अपमान नहीं, कोतवा क्षेत्र के 1.5 लाख जनता का अपमान है, 1.5 लाख मतदाता का अपमान है, ये तानाशाही है और ये तानाशाही दोबारा नहीं चलेगी। सब लोगों को विधायक की मार खाने की बात मैंने नहीं कही जी, मैंने कहा सब जनप्रतिनिधि खासकर हम लोग, तो हमको 4 सुरक्षा गार्ड मिला हुआ, विधायक जी को भी सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है ना जी। तो मैंने कहा कौन सा कारण है कि 1:30 बजे विधायक जी, मैं पेपर में पढ़ा था कि विधायक जी को कोई मारा, उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट दिया जी, जी, जी। तो जब सुरक्षा गार्ड मिला है तो उनको लेकर साफ करना चाहिए, और जनप्रतिनिधि तो अक्सर 1:30-2 बजे कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ तब 3-4 बजे तक कोई मीटिंग हुआ तो रहते हैं, अभी 1:30 बजे घूमने का क्या उचित है जी, और गार्ड को अलग कर। तो ये मैंने कहा कि भाई हमको बड़ा दुख लगा कि हमारा आज विधायक मार खाए, उन्होंने खुद बताया जी, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी ऐसे कुकर्म नहीं करना चाहिए जिसमें मार खाने की नौबत।